ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में एक ऐसे संगीतकार जिन्हें जमाने ने भुला दिया। फिल्मी दुनिया छोड़कर वो अपने वतन से बहुत दूर जा बसे, लेकिन वतन उन्हें पुकारता रहा। हर बरस वो अपने वतन लौटते रहे। इस बार जब वो हिंदुस्तान आए तो हमने की उनसे बातचीत और उन्होंने यादों के दरीचों में झांक कर सुनाई अपनी अनकही अनजान दास्तान। आइए पहले उनके गानों की एक बानगी सुनी जाए। तेरे प्यारे हाल मुरी दादा तेरा तेरे प्यारे जाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में संगीतकार एस मोहिंदर, इनसे बातचीत की है आपके दोस्त यूनुस खान ने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियोज में। मेहरबानी आपके। मुझे लगता है कि आपकी यादों का सिलसिला वहां से शुरू करें जहां की आपकी पैदाइश है। बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए थे और वो किस तरह के हालात, किस तरह का शहर था। मेरा जन्म 1925 में हुआ है, 24 फरवरी 1925। एक सिला वाला गांव था जी, वो बिल्कुल जहाँ बाबा फरीद की जगह है ना, उसके बिल्कुल पास था। बाबा फरीद बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है और लोग आज भी जियारत के लिए वहाँ, उसे पाक पतन कहते हैं जी। पाक पतन, बस वो पाक पतन का जन्म है मेरा। अच्छा। वो डिस्ट्रिक्ट मटगुबरी है और वैसे पंजाब है जो आज पाकिस्तान में है जी। उस वक्त हिंदुस्तान था वो जी, बाद में पार्टीशन हो गई, पाकिस्तान बन गया। तो मैं 22 वर्ष का था जब वहाँ से निकला हूँ जी और बॉम्बे आया हूँ जी। हम अभी पहले आपके बचपन की ही बातें करते हैं। कितने भाई बहन थे और पिताजी क्या करते थे, घर में किस तरह का माहौल था। मेरे पिता सब इंस्पेक्टर पुलिस थे। ओ, तब तो बड़ा रुतबा होगा उनका। उस वक्त था तो उसको थानेदार बोलते थे जी। तो कभी कहीं ट्रांसफर हो जाती थी, कभी कहीं ट्रांसफर होती, जहाँ जाते थे हम साथ जाते थे, और कभी किसी जगह पढ़े, कभी किसी जगह पढ़े। तो ऐसे करते करते सारे पंजाब में घूमे हैं जी। तो अलग अलग शहरों में परवरिश हुई आपकी। हाँ, किन किन शहरों में रहे। ज्यादातर तो एक शाहदरा जगह है लाहौर के पास, वहाँ रहा हूँ मैं काफी देर। उसके बाद फिर ननकाना साहब रहा हूँ जी, जी जो गुरु नानक साहब का जन्म स्थान है, और फिर लायलपुर रहा हूँ जिसे आज फैसलाबाद कहते हैं जी। जी। तो ऐसे कई एक जगह पे रहा हूँ जी। जी जी। तो ऐसे करते 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 गाना वाना सीखा वहां से। हाँ। कभी किसी से, कभी किसी से। अच्छा। तो फिर बनारस का चांस बन गया तो हम बनारस होके आए, वहां से गाना सीखा। अच्छा। और सबसे पहला रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम दिया मैंने 1945 30 नवम्बर
जी रेडियो स्टेशन लाहौर से ब्रॉडकास्ट किया, तो फिर रेडियो स्टेशन का सिंगर हो गया लगातार। और मई का महीना था 1947 में, जब वहाँ शुरू हो गया पार्टीशन का शोर, तो हम उसमें गा के निकले रेडियो स्टेशन से जी। तो स्टेशन पर आए, आगे टिकट लिया 4 रुपए 10 पैसे का लायलपुर का, तो गए प्लेटफार्म पे, तो वहाँ गाड़ी नहीं आई। तो मैंने कुली से पूछा, भाई वो लायलपुर की गाड़ी किधर है? कहने लगा जी इससे पहले गाड़ी आई थी, वो गई है शाहदर, तो उसको काट दिया गया सब मुसाफिरों को, तो अब उस तरफ कोई गाड़ी नहीं जा रही। तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ लायलपुर? कहने लगा ये सामने गाड़ी खड़ी हुई है, उसके ऊपर लिखा था फ्रंटियर मेल जी बॉम्बे सेंट्रल। तो मैंने कहा ये तो बम्बई जा रही है भाई, मुझे तो लायलपुर जाना है। तो वो कहता है कि अगर आपको जान पे आ रही है जिसमें बैठ के यहाँ से निकल जाओ। ओ, 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 इतना बुरा माहौल था उस माहौल हो गया शुरू हो गया था। तो मैंने सोचा भाई ये बात को पते की कह रहा है, तो मैं उस गाड़ी में बैठ गया। उस गाड़ी में बैठा 10 मई 1947 को बॉम्बे सेंट्रल पहुंचा। अरे बापरे, तो फिर अपना बहुत बुरे हालात में आप मुंबई बम्बई आए। यहाँ के हालात इतने खराब नहीं थे जी जो वहाँ लाहौर में लायलपुर में हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब लाहौर रेडियो स्टेशन पर आप गाने के लिए गए, पहली बार आपने तभी गाया था जब हालात खराब थे और उसके बाद आपको मुंबई आना पड़ा, या उससे पहले भी कभी गा चुके थे आप? उससे पहले गा चुके, 1945 नवंबर से गाना शुरू किया ना जी जी। 45 गाया हो, 46 गाया हो, 47 पे गाया हो। तो आप पंजाबी गाने गाते थे या नहीं? पंजाबी गाना तो उस वक्त मुझे आता ही नहीं था जी, गजलें गाता था, क्लासिकल अच्छा। गाता था। अच्छा अच्छा, मैं क्लासिकल सिंगर था। ओके, तो गजलें कौन कौन सी गाई, कुछ याद है? उस जमाने में रेडियो लाहौर बहुत मशहूर रेडियो स्टेशन हुआ करता था, काफी बड़े बड़े सिंगर वहाँ गाया करते थे। एक को भट्टी करके थे जी सॉन्ग राइटर, उनके गाने थे जी। एक और थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा जी, बड़े नोन सॉन्ग राइटर है, उनके गाने गाए हैं मैंने। और क्लासिकल गाया जी, गजलें एक दो ही गाई होगी कहीं। अच्छा, ज्यादा क्लासिकल का प्रोग्राम था मेरा। लेकिन ये जो गाने का शौक है, ये घर से मिला आपको? पिताजी को गाने का शौक रहा? मेरे पिता फ्लूट बजाते थे रात को सोते वक्त। अच्छा, बस तो शौक से बजाते थे तो मैं सुनता था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक हो गया, तो गुरुद्वारे जाया करते थे जी, तो वहाँ लोग जो कीर्तन करते हैं ना जी जी, उनको सुनते थे। उसमें एक भाई सुमंत सिंह करके बड़े अच्छे गाने वाले हुए हैं जी जी, उनको सुनता था मैं, और उनको सुन के मैं उनको कॉपी करता था। तो एक दिन मैं गुरुद्वारे के पीछे खड़ा हुआ जी, जो उन्होंने गाया जी वो मैं गा रहा था, तो मेरे पास से गुजरे तो रुक गए, तो कहने लगे बेटा क्या गा रहे हो? मैंने कहा जो आप गा रहे थे आपको सुना है, तो उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी गाऊं। तो वो कहने लगे तुम तो अच्छा गा रहे हो, तो फिर उन्होंने मुझे शागिर्द कर लिया। तो उस वक्त उन्होंने गाना सिखाना शुरू कर दिया और फिर मैं सिंगिंग में चालू हो गया। अच्छा, और पढ़ाई और सिंगिंग का तालमेल आप करते रहे? साथ ही साथ। कितने शरारती थे बचपन में आप, और किस तरह के खेल हुआ करते थे वहाँ आपके गाँव में? क्या क्या खेलते थे? वो शहर थे, छोटे छोटे शहर थे जी, गाँव भी थे, गांव में तो कुछ भी नहीं था ना जी, तो शहर था ननकाना साहब, इट्स ए सिटी जी जी, जी तहसील थी। और फिर जब लालपुर आ गए तो हमने कॉलेज ज्वाइन किया और गाना शुरू कर दिया। वहाँ भी सा एक सिखाते थे पंडित सुरती रतन शर्मा जी, उनसे गाना सीखा, और एक साहब और थे उनसे गाना सीखा, और फिर बनारस चले गए। बनारस और लाहौर की दूरी तो बहुत ज्यादा है, घर वालों की इजाजत मिल गई थी? इजाजत मिल गई थी, चूंकि एक ऐसे सिंगर थे जो आए थे वहाँ गाने के लिए जी, तो उनसे मैंने पूछा कि आप किसके शागिर्द हैं जी, तो कहने लगे हम बड़े रामदास के शागिर्द हैं बनारस में। तो मैंने कहा यार मैं जाऊँ तो मुझे सिखाएंगे? कहते जरूर सिखाएंगे, तो आ जाओ मैं तुम्हें ले चलूंगा। तो फिर वो उसके कहने से चला गया। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? 18 वर्ष का था। पिताजी ने रोका नहीं कि इतने दूर के शहर? नहीं, उन्होंने कहा कि बेशक चले जाओ, शौक है तेरे को तो पूरा करो जी। तो चले आया जी, 2 वर्ष वहाँ सीखा हमने, वापस आ गए। तो फिर ये बात है कोई 42-43 की जी, 42-43 की, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। 42 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दे दिया था। वो दे दिया था, लेकिन 42 में वर्ल्ड वार जी चल रहा था जी जी, तो दूसरा वर्ल्ड वार। उस जमाने में वहाँ के सीखे थे बड़े रामदास जी से सीखे क्लासिकल। मैं आपको एक नक्शा सुनाता हूँ क्लासिकल जी। गरजत बादर, गरजत बादर, चमकत बिजली बरसत बेहा,
रामदास धरोधीर कछु ना सकुंत बार तुम पे दया करत हे बंसी वाले घर जत बार। ये सबसे पहले उन्होंने हमको सिखाया। क्या ये बात है? राग बेग है जी जी। तो ऐसे करते करते फिर चलते गए चलते गए चलते गए। कुछ याद है रेडियो में कौन सी रचनाएं गाया करते थे? रेडियो में गुनगुनाना चाहे तो गजल में बस जो गाते थे क्लासिकली गाते थे ज्यादा। तो दो रेडियो में माइक्रोफोन और लोगों का उस तरह का माहौल आपको डर नहीं लगता था या एक संकोच नहीं होता? पापा मगा निसा मगा पापा पापा दा पापा पा निसा निसा पापा मगा निसा गा मगा रे रे सा। ये मुल्तानी राग है जी जी। पग घुंघरू बांध मेरा नाची लोग कहन मेरा भाई बावरे पिता कहे कुल नाशी पग घुंघरू बांध मेरा नाची। ऐसे क्लासिकल गाते थे जी। अब तो आवाज भी नहीं रही सांस भी नहीं रहा। अब इस उम्र में बहुत अच्छी तरह से गा रहे हैं आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि पिताजी के लगातार ट्रांसफर होते रहते थे तो एक शहर में थोड़े दिन लोगों से दोस्ती होना म्यूजिक सीखना शुरू करना और फिर दूसरे शहर में जाना तो तकलीफ होती थी? नहीं मैं हॉस्टल में चला गया था ना फिर। अच्छा जैसे लालपुर आ गया जी। तो हॉस्टल में चले गए फिर उनके ट्रांसफर भी लालपुर में हो गए। वो लालपुर में रहे बाद में जी बिकेम द प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर। अच्छा तो फिर परमानेंटली लालपुर रहे जी। और माँ की किस तरह की यादें हैं आपके जहन में? माँ भी गाती थी थोड़ा थोड़ा बाजा बजाती थी। अच्छा। और गुरुद्वारे के शब्द गाती थी वो लेकिन और फैमिली में कोई नहीं गाता मैं ही गाता हूँ जी। मेरी एक सिस्टर है वो गाती है शौक से वो सीखा भी है क्लासिकल बस हम लोग दोनों गाते हैं। जैसे मेरे बच्चे भी थोड़े थोड़े गाते मेरी वजह से वैसे कोई एज ए सिंगर नहीं है लेकिन शौक से गाते हैं सारे जी। बचपन में कौन से खेलों में आपकी दिलचस्पी ज्यादा हुआ करती? हॉकी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी हॉकी का प्लेयर हूँ। किस उम्र से आपने हॉकी खेलना शुरू किया था? हॉकी तो बचपन से खेलता था स्कूल में भी खेलता था जी। समझिए कि कोई 8th स्टैंडर्ड में था मैं तब से शुरू किया जब से हॉकी शुरू किया। किस पोजीशन पे खेलते थे आप? मैं राइट फुल बैक खेलता था। अच्छा क्या बात है। शुरू से आखिर तक खेलता रहूं पंजाब यूनिवर्सिटी में खेला तो भी फुल बैक खेला हूँ जी। पंजाब यूनिवर्सिटी 3 वर्ष खेला हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जो थी उसने फिर मुझे कलर दे दिया। हाँ हाँ। एक यूनिफॉर्म पहनते थे हम पंजाब की वो 3 वर्ष खेलने के बाद आपको दे देते हैं ले लो। तो आपको कलर भी मिल गया ये बहुत रुतबे की बात थी। कलर मिल गया फिर उसमें शौक नहीं रहा जब संगीत का काम चालू हो गया जी तो गेम में वो लुत्फ नहीं रहा। बम्बई आ गए जी जी। बम्बई आ गया अपना पेशा शुरू कर दिया कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा। ऐसे करते करते मिल गया काम जी और गाने रिकॉर्ड हो गए। मुंबई में आपको संघर्ष करना पड़ा? आप कहाँ रहते थे मुंबई में? संघर्ष करना पड़ा। बम्बई में आए जब उतरे तो हमने एक आदमी से पूछा जी कि गुरुद्वारा कहाँ है तो उसने कहा जी दादर में है। तो मैंने कहा दादर कहाँ है? कहने लगा आप वो पकड़ लीजिए ट्राम चलती है यहाँ से बाहर एक आना लेते हैं वो जहाँ जी चाहे उतर जाना जी जी। तो मैंने कहा मुझे कैसे मालूम होगा कि गुरुद्वारा यहाँ है? कहने को आप कहिए जो कंडक्टर है ना उससे कहिए मैंने दादर जाना है और गुरुद्वारा जब आए तो मुझे उतार देना। तो जैसे गुरुद्वारा आया तो उसने मुझे कहा जी यहाँ उतर जाओ। तुम गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने उसने उतार दिया। तो वहाँ जाके मैंने उनसे कमरा मांगा रहने के लिए। तो वो कोई जो बाहर से आदमी आया हो उसको 7 दिन के लिए वो जगह देते रहने के लिए। तो मैं 7 दिन वहाँ रहा। जब 7 दिन खत्म होने वाले थे तो उसने कहा कि अब आपको कल जाना पड़ेगा जी। तो मैंने कहा कल तो संडे है अगर आप मुझे इजाजत दें तो गुरुद्वारे में मैं एक शब्द पढ़ूं। तो वो कहने लगे पढ़ो। तो जब संडे आया तो मैंने शब्द पढ़ा वहाँ जी। उन लोगों को बड़ा पसंद आया मुझे पैसे मिले कुछ 25-30 रुपए मिल गए। तो मैंने उनसे कहा जो प्रेसिडेंट से गुरुद्वारे के मैंने कहा कि मैं तो इतने दिन के लिए आया था तो इसके बाद वो कहते चले जाइए।
तो वो कहने लगा ऐसे आप ऐसा करिए एक दिन के लिए बाहर चले जाइए और फिर वापस आ जाइए, फिर एक हफ्ता रहिए और ये जो शब्द आप पढ़ते हैं ये शब्द पढ़ने शुरू कर दीजिए, तो कुछ जब तक आप शब्द पढ़ेंगे यहाँ आपको हम निकालेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर वो हर इतवार में मुझे पैसे 40-50 रुपए इकट्ठे हो जाते थे, मेरा खर्चा शुरू हो गया, मैंने स्टूडियो में चक्कर काटने शुरू कर दिए जी। और करते करते मुझको आरुण और निर्मला, उस वक्त हीरो हीरोइन हुआ करते थे, उनके घर जा पहुंचा जी। आज के जमाने के जो मशहूर कलाकार गोविंदा, उनके गोविंदा के फादर मदर जी जी, तो वहां उनके यहाँ जा पहुंचा। और निर्मला मुझको बनारस तो मिली थी, जब मैं बनारस गाना सीखता था जी, तो ये मैं बड़े रामदास के पास आया करती थी। अच्छा, हाँ जी। तो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा आपने कोई ट्यून बनाई हुई है, तो मैंने उनको धुने सुनाई और मैंने एक फोक संग सुनाया बनारस का है, यूपी का जी जी। तो वो मुझे देख के कहने लगे कि कहीं मैंने देखा है आपको। मैंने कहा देखा क्या, आप तो मुझे मिली है वहाँ बड़े रामदास जी के यहाँ। ओ आप बड़े रामदास जी के शिगिर्द में, कहा। तो मैंने दो चार गाने सुनाए, उनको पसंद आया, मियाँ बीवी दोनों उठ के दूसरे रूम में चली गई और उन्होंने आपस में बातचीत की, आ गए मेरे पास और आते ही कहने लगे कि हम आपको म्यूजिक डायरेक्टर लेते हैं, आपके गाने पसंद आए लेकिन आपको पैसे ज्यादा नहीं दे सकते जी। तो मैंने कहा जी क्या देंगे, क्या आपको 2000 रुपया देंगे पिक्चर का जी जी। मैंने कहा ठीक है आप एग्रीमेंट बना लीजिए जी, मैं साइन कर देता हूँ। तो उनकी पहली पिक्चर थी शेरा, वो 1948 में रिलीज हुई वो जी जी। 1947 में एड गया हूँ और 47 में ही पिक्चर मिल गई, 48 में रिलीज हुई। उसके एक दो गाने चले थे, एक था उसमें था चंदा जी तेरी चांदनी मैं बावरी बन जाओ, के बाद फिर एक पिक्चर मुझको मिली। एक चीज अब भूल रहे हैं शायद, इस फिल्म में आपने खुद भी तो गाए थे गाने।
इस पे गाना गाया था मैंने, सेहरा में गाया था वो गाना, सेहरा में गाया, मैंने सुना है वो गाना। आप गा सकते हो? मैं तो सिंगर था ना। ए दिल उड़ा के चल मखमूर, ए दिल उड़ा के ले चल मखमूर फिजाओं में, जी परवाज करके देख ले इन काली घटाओं में। क्या बात है। ए दिल उड़ा के ले चल मखमूर फिजाओं में, परवाज करके देख ले इन काली घटाओं में। ले चल मखमूर फिजाओं में, परवाज करके देख ले इन काली घटाओं में। दिल उड़ा के ले चल मखमूर फिजाओं में, परवाज करके देख ले इन काली घटाओं में। आकाश से आ पूछे, आकाश से आ पूछे, आंसू के देखे पल भर तारों की छाँव में, बर्बाद करके देख ले इन काली घटाओं में। है दिल उड़ा के ले चल मखमूर फिजाओं में, बर्बाद करके देख ले इन काली घटाओं में। बदली में छिपे चांद के मुखड़े को चूम ले, बदली में छिपे चांद के मुखड़े को चूम ले, मुखड़े को चूम ले। देखें अब वो तैरते पंछी हवाओं में, बर्बाद करके देख ले इन काली घटाओं में। दिल उड़ा के ले चल मखमूर फिजाओं में, बर्बाद करके देख ले इन काली घटाओं में। बादल का शोर लो सुनो ऐसे है आ रहा, बादल का शोर लो सुनो ऐसे है आ रहा, जैसे पादेब दुल्हन की छनके है पाँव में, बर्बाद करके देख ले इन काली घटाओं में। दिल उड़ा के ले चल मखमूर फिजाओं में, बर्बाद करके देख ले इन काली घटाओं में, इन काली घटाओं में, इन काली घटाओं में। ये मैंने गाया था। क्या बात है। तो बतौर गायक आपको फिर पहचान मिल गई इस गाने के जरिए? एज ए गायक पहचान नहीं मिली, चूंकि मैं आया तो गाने के लिए था जी, लेकिन मैंने महसूस किया कि जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसकी वैल्यू ज्यादा है जी, गाने वाले की वैल्यू को खास नहीं। तो फिर मैंने कहा कि म्यूजिक डायरेक्टर बनो, तो म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। तो फिर अगर मुझसे अच्छी आवाज किसी की हो तो मैं क्यों अपने पेट पे खुद ही लात मारूं। तो मैंने देखा मोहम्मद रफी अच्छा गाता है, तो मैंने रफी साहब को लेना शुरू कर दिया। और फिर एक पिक्चर का म्यूजिक दिया शादी की रात, उस पर लता मंगेशकर ने गाया है जी जी। हम दिल की कहानी क्या कहते जी, कुछ कह ना सके कुछ कह भी गए, बेचैन हजारों आंसू थे, कुछ बह ना सके कुछ बह भी गए। कहते कुछ कह ना सके कुछ कह भी गए, कह भी गए। बेचैन हजारों आंसू थे, बेचैन हजारों आंसू थे, कुछ बह ना सके कुछ बह भी गए, बह भी गए।
जब में वो सारे सहारे टूट गए, उम्मीद तो मैं सबसे पहले गोविंद राम जी के पास गया। मैंने पूछा ऐसी बात है कि उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं आपसे परमिशन लेने आया हूँ, इजाजत दे तो मैं काम करूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। तो कहने लगे कोई ना कोई तो म्यूजिक देगा भाई, मैंने तो छोड़ दिया है, आप करो। तो फिर मैंने पिक्चर ली हो, यानी उसूल की बात है कि आप किसी की छोड़ी हुई फिल्म थी तो आप पहले इजाजत लेने गए। मैं छीना छपटी वाला मामला नहीं था उस दौर में, वैसे था तो नहीं, लेकिन मेरे दिल में ऐसा आया ना जी कि वो महसूस ना करे मेरे बहुत पुराने म्यूजिक डायरेक्टर से, मैं तो नया हूँ चाहे उनके सामने। उसके बाद फिर नीली आ गई, सुरैया देवानंद। नहीं लेकिन एक बात ये भी है कि इस फिल्म के लिए पर्दे पर आपका नाम नहीं आया, आपको बुरा नहीं लगा? नाम नहीं दिया चूंकि उन्होंने कहा कि इस पर हमने साइन किया हुआ है पंडित गोविंदराम का नाम, अगर आपका नाम देंगे तो वो केस ना कर दे कल। तो उन्होंने नाम दिया मेरा एडिशनल म्यूजिक। अच्छा, जी, जबकि गाने सारे आपने बनाए हैं? मेरे घर बनाए। इसके बाद मेरा ख्याल है कि एक और फिल्म आई थी ना जीवन साथी, वो इससे पहले आई है। वो फिल्म कैसे मिली आपको? वो जीवन साथी सेरा से मिली, सेरा जो है वो मोहन स्टूडियो में बनाई थी, तो जीवन साथी उन्होंने मोहन स्टूडियो में शुरू की, मैं पसंद आया उसको ले लिया। उसके गाने तीन चार बड़े अच्छे गाने थे और पिक्चर एवरेज गई। अच्छा, लेकिन गाने उसके चले, था भी वो क्लासिकल टाइप का म्यूजिक सारा। तो उसके बाद शादी की रात मिली मुझको। ये जो म्यूजिक डायरेक्शन वाला फील्ड है, इसका कोई अनुभव आपको नहीं था तो किस तरह की मुश्किलें पेश आती थी उस दौर में स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग वगैरह? अनुभव ऐसा था जी कि मुझको अनुभव इसलिए था कि मैं जो इस मास्टर वॉइस का रिकॉर्डिंग रूम था लाहौर में, उसमें गाने रिकॉर्ड करते थे। तो मैं जाता था एक मेरे पंडित अमरनाथ जी के साथ जी, तो वो जब वहाँ म्यूजिक वगैरह लिखवाते थे तो मैं उनको वाच करता था कि कैसे कर रहे हैं, तो वो मेरे दिमाग में था। जब मैं आया तो फिर मैंने कुछ एक दो आदमियों को साथ लेके ये काम किया जी। एक दो बाजा बजाने वाले मेरे साथ थे और एक सरगी बजाने वाले, एक तबला बजाने वाले, ये तीन आदमियों को साथ रख के मैंने गाने कंपोज किए और म्यूजिक की उन्होंने मुझे मदद की कि ऐसे ऐसे म्यूजिक होता है, ऐसे ऐसे म्यूजिक, तो फिर म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। फिर इसका मतलब ज्यादा दिक्कतें पेश नहीं आई? नहीं, मुझे कोई दिक्कत अनुभव रहा है आपका जो लाहौर का, कोई मुकद्दर ने साथ दे दिया जी। शुरुआती दौर में वो जो गुरुद्वारे में रहना था वो तो फिर छूट गया होगा, जब फिल्में मिलने लगी तो आप कहाँ शिफ्ट हो गए? छोड़ दिया ना जी। फिर तो मैं होटल में आ गया। अच्छा, अभी तक अपना घर नहीं हुआ था, होटल में चले गए? नहीं, घर तो हुआ नीले के बाद। अच्छा, तो कई बरस आप होटल में रहते रहे? नहीं, कुछ देर में रहा, वो एक कोलीवाड़ा कैंप है उसपे मेरे मासी के लड़के मुझसे बड़े थे वो रहते थे, तो वो मुझे कहने लगे यार मैं अकेला रहता हूँ मेरे साथ आ जा। फिर मैं वहाँ चला गया, जो नीली फिल्म बन रही थी उसमें मैं वहाँ रहता था। सेठ चंद्रवा शाह की गाड़ी आती थी, मुझे ले जाते थे, छोड़ जाते थे। ये कौन से कैंप की बात कर रहे हैं आप, ये साइन का या वो वर्सोवा वाला? कोलीवाड़ा, साइन वाला। साइन वाला, उसको कोलीवाड़ा ही कहते हैं। बिल्कुल जी। आप जाना तो चाहते थे लायलपुर और गाड़ी लायलपुर की आई नहीं और आप इत्तेफाक से मुंबई पहुंचा दिए गए, परिवार पीछे छूट गया। फिर किस तरह से रابطہ कायम हुआ अपने परिवार से, अपनी परिवार माँ, पिताजी, बहन भाई, इन लोगों से? जी, परिवार ऐसा है कि उन दिनों छुट्टियां थी जी, अप्रैल की छुट्टियां होती है ना बच्चों की, स्कूल बंद होते हैं तीन महीने के लिए। मेरी मदर सारे बच्चों को लेके दिल्ली, मेरे फादर काम करते थे दिल्ली क्लास मिल्स में वाचन वार्ड ऑफिसर। अच्छा अच्छा, तो वहाँ आ गई वो जी। उसके बाद मैं आया हूँ तो दिल्ली से मुझे मालूम है कि दिल्ली वो कहाँ रहते हैं, तो मैं निकल आया हूँ, रुका नहीं मैं दिल्ली। तो फिर मुझे बम्बई आके पता चला कि उनका दिल्ली एड्रेस क्या है, क्योंकि बम्बई में मेरे रिश्तेदार से सारे जी, उन्होंने बताया कि वो दिल्ली में उनका ये एड्रेस है और वो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन लोगों को भी आपकी फिक्र लगी होगी कि कहाँ गया बेटा, उनको पता चल गया जी कि मैं बम्बई आ गया हूँ। पंजाब होटल है ना जी, जी, ये मेरे बड़े भाई साहब के साले हैं, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया उनको और मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारे बहन भाई सारे दिल्ली क्लास मिल्स में है। अच्छा, और वो ठीक ठाक है जी। और फिर जब मुझे पता चल गया तो मेरी इनकम शुरू हो गई, तो मैंने उनको हर महीने 300 रुपए का मनी ऑर्डर भेजना शुरू किया। अच्छा, कमाने लगे तो आपने कहा कि अब माता पिता के लिए फर्ज निभाया जाए। फर्स्ट पिक्चर साइन की मैंने लीली, वो 7,000 रुपए पे साइन की, उसपे जो पैसे मिलते थे मैं उनको भेज देता था। फिर मैंने मकान लिया खार में किराए पे,
वहाँ रहा। उस वक्त पापी फिल्म बन रही थी राजकुमार नरगिस की, उसका म्यूजिक दिया मैंने। अच्छा। हाँ, उसके गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं। इससे पहले नीली की बात की जाए, ये फिल्म किस तरह से? नीली पहले थी, सुरैया जैसी जबरदस्त अभिनेत्री और गायिका शामिल थी। उसके गाने, नीली के गाने तो मेरे ख्याल 10 के 11 से सारे हिट थे जी। शायद शादी की रात के गाने चले, उसके बाद आपको मौका मिला? उसके बाद जी, शादी की रात के बाद नीली मिली मुझे और नीली के सारे गाने हिट हुए। चंद्रलाल शाह से किस तरह से मुलाकात हुई थी, क्योंकि रंजीत स्टूडियो की फिल्म थी ना वो? उससे पहले मैं उनके पास गया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, मुझे देख के, मिलिट्री वाले आदमी हो तो मिलिट्री में जाओ, यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा जी मैं म्यूजिक दे रहा हूँ। म्यूजिक तुम क्या म्यूजिक दोगे, तुम मिलिट्री में जाओ। मैंने कहा जी ठीक है, तो मैं चला गया। जब शादी रात की जब रिलीज हुई तो चंद्रलाल शाह ने भट्ट ब्रदर्स को टेलीफोन किया, ये गाना किसने बनाया, हम दिल की कहानी क्या कहते, कुछ कर। जी जी। तो उन्होंने कहा जी एक एस महेंद्र एक सरदार जी है, उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा उनको मेरे पास भेजना। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम रंजीत स्टूडियो में जाओ, सेठ ने तुम्हें याद किया है। तो मैं भाग गया, तो मुझे देख के उन्होंने कहा, मैंने कहीं तुमको देखा है। मैंने कहा जी मैं आपके पास आया था, आपने कहा जाओ मिलिट्री आर्मी ज्वाइन करो, मैं वही हूँ। कहते अच्छा अच्छा अच्छा। उनको याद आ गई वो बात। हाँ, अच्छा कोई गाना सुनाओ। तो मैंने सुनाया, तो कहने के बात यह है कि हमारी हीरोइन सुरैया है, अगर उसको ये गाना पसंद आए तो हम आपको लेंगे, आप कल सुबह आप आ जाना और उसको सुनाना। तो मैं सुरैया के पास जब आया था ना, उसको मिलने गया था, क्योंकि मैं रेडियो स्टेशन लाहौर पर जब गा रहा था जी, तो सुरैया की अनमोल घड़ी पिक्चर रिलीज हुई थी, तो वो आई थी वहाँ। अच्छा, तो मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, तो वहाँ मुलाकात हुई, तो उसने मेरा गाना बहुत पसंद किया जी। तो जब दूसरे स्टूडियो में स्विच किया उन्होंने लाइट मेरी आपकी, तो अंदर आके उन्होंने मुझे कहा कि कभी बम्बई आओ, मुझसे जरूर मिलना, मैं आपकी हेल्प करूंगी जितनी भी कर सकूंगी। क्या बात, आपकी आवाज बड़ी पसंद आई है। क्या बात। तो मैं जब यहाँ आया इमीडिएटली उसके घर गया। अच्छा। और उससे जाके मैंने नाक किया दरवाजा, मुझे पता चला कहाँ रहती है। उन्होंने पहचाना आपको? हाँ, एड्रेस थे जी। तो उनके मामा जी थे एम जहूर, तो उन्होंने देख के अंदर से आई आई ग्लास से देखा, तो उन्होंने कहा कि सुरैया के वो ये लाहौर वाला सरदार वही आया है जो रेलवे स्टेशन पे मिला था। अच्छा। तो वो उसने कहा कि बुलाओ उनको अंदर। तो दरवाजा खोला, मैं अंदर गया, तो बड़े शौक से मुझे उठाया उन्होंने, चाय वाय पूछी और ये कहा कि कभी भी किसी वक्त किसी चीज की जरूरत पड़े फौरन आ जाना, सोचना मत। क्या बात है। अब मैंने पता चला कि ये हीरोइन है, तो मैं शाम को उसके घर जा पहुंचा। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है, ऐसे गाने मैंने सुने हैं, मैं म्यूजिक दे रहा हूँ, तो कल तुमने सुनना है, सुन के तुमने अप्रूव करोगी तो मुझको लेगी। तो उसने कहा क्या गाने क्या है, मैंने सुनाए, कहने के बड़े अच्छे गाने हैं। उसमें था फूल खिले हैं गुलशन में, तू भी देख ले मैं भी देख लूं, क्या बात, कौन बसा है धड़कन में, तू भी देख ले मैं भी देख लूं, फूल खिले हैं गुलशन में। धड़क
मुस्काना सीखा, बुलबुल ने कोई छेड़ के नगमा, बुलबुल ने कोई छेड़ के नगमा, प्यार जताना सीखा, प्यार जताना सीखा, सब है अपनी ही धुन में, सब है अपनी ही धुन में, तू भी देख ले मैं भी देख लूं, फूल खिले हैं गुलशन में, एक था चोरी चोरी आ रहा हो राजा मेरे दिल के बिछड़ लाना मिल के गाने किन्होंने लिखे थे? ये सुरजीत सिंह सेठी। अच्छा, ये भी मेरे साथ ही आए थे, गाने सुनाए उनको जी। उसने मुझे कहा कि जब गाने सुनाओ मेरी आंख में आंख ना डालना, मेरी तरफ देखना ही मत, सुना के तो आप जो सेठ जी कहेंगे उसके हिसाब से करना। तो मैंने गाने सुनाए तो उन्होंने पूछा सेठ ने कि सुरैया बोलो क्या ख्याल है, तो कहने लगे जी सेठ जी इनके सामने मैं कैसे बताऊं, तो सेठ ने कहा तुम लोग बाहर बैठो। अच्छा, तो हम बाहर चले गए, तो सुरैया ने कहा कि ये दो गाने सेठ जी रिकॉर्ड कर लो, इन दो गानों से पिक्चर हिट हो सकती है आपकी। क्या बात है। और ये कह के अंदर शॉट रेडी मेरा, मैं जा रही हूँ। तो जाते वक्त हम बाहर बैठे हुए सबको ऐसा कर गए कि मामला ठीक है। अच्छा, हाथों से इशारा कर दिया। हाथों इशारा कर दिया जी। तो उसके बाद सेठ का आदमी आया, उसने कहा कि ये दो गाने हम रिकॉर्ड करेंगे, इसका क्या लोगे? मैंने कहा मैं दो गाने नहीं देता, दूंगा तो पूरी फिल्म का म्यूजिक दूंगा, नहीं तो एक एक दो दो गाने मैं नहीं बेचता। तो उसने सेठ से जाके कहा, तैमूर बैराम शाह नाम था उसका, जनरल मैनेजर थे वो जी। तो
तो सेठ ने कहा पूछो सारी पिक्चर का क्या लेगा, तो उन्होंने कहा सारी पिक्चर का क्या लोगे, मैंने कहा 10,000। अच्छा 10,000 तो बहुत बहुत अमाउंट से, मैंने क्या दिया, मैंने कहा पता नहीं कहाँ आते हैं वो जी। सेठ से बात की, सेठ ने कहा उनको बोलो 7,000 देंगे। अरे गजब। तो उसने आगे कहा 7,000 देंगे जी। मैंने कहा अपने एक काम करिए, मेरा असिस्टेंट है जो मेरे साथ काम करता है उसको 3,000 दे दीजिए, तो 7 मुझे दे दीजिए, मेरा 10 पूरा हो गया। अरे गजब क्या बात है। तो उसने सेठ से कहा, सेठ ने कहा ठीक है मंजूर है। हाँ। तो एग्रीमेंट हमारा फर्स्ट एग्रीमेंट मेरा 7,000 रुपए का आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है। वो बहुत खुशी का मौका रहा होगा आपके लिए। खुशी का मौका, 7,000 हमारे लिए तो 7,000 ऐसा था 7,00,000 किसी ने दे दिए जी जी। और उस पिक्चर के बाद फिर अमाउंट बढ़ गई हमारी, जहाँ जाओ 10,000, 7,000, 10,000 अमाउंट मिलने शुरू हो गए। अच्छा जब नीली फिल्म को आपने साइन किया उससे पहले महीने का खर्चा कितने रुपयों में चलता था आपका? खर्चा तो उस वक्त था ही कुछ नहीं जी, 200-300 रुपए में काम चल जाता था। अच्छा होटल में चले गए तो 150 रुपए में होता था कमरा, उस पे खाना भी मिलता था। तो जब हमने मकान ले लिया आगे, इसके बाद पिक्चर आ गई पापी जी, राजकुमार नरगिस की जी जी। तेरा काम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या ना जले। तेरा काम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले। तू पंख जला ले दीवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले। मोहब्बत का सहजा तू आग के दरिया में बह जा, कहती है जो दुनिया कहने दे, तू जलते जलते ये कह जा, ये कह जा। तू जल मरते हैं दीवाने, जल मरते हैं दीवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले। तेरा काम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले। प्यार नहीं है हर जाई, तू सौदाई है सौदाई, मरने में है शान मोहब्बत की, जीने में है तेरी रुसवाई, रुसवाई। मरते नहीं जल कर परवाने, मरते नहीं जल कर परवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या। क्या बात है, ये उसका गाना था। और एक उसमें गाना था काली पीली नीली पीली, नीली पीली काली पीली, काली पीली नीली पीली, नीली पीली नीली पीली चूड़िया ले ले गोरी पहन ले छोरी, हो गोरी गोरी कलाई पे काली काली चूड़िया, हो गोरी ओ ले गोरी। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि आपका नाम जो है वो तो था बख्शी मोहिंदर सिंह सरना, तो ये जो नाम है ये छोटा हो के एस मोहिंदर कैसे हो गया? मेरा नाम आता था मोहिंदर सिंह। अच्छा फिल्मों में? हाँ, तो नीली फिल्म से नाम चेंज किया मैंने। ये सुरैया और देवानंद वाली फिल्म जिसके लिए सुरैया की मदद आपको मिली थी। हाँ, तो इसमें इसलिए चेंज किया कि एक साहब थे पिचित्रा, एक पेपर निकलता था वीकली, तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव था यहाँ बम्बई आता था, इश्तहार लेता था,
वो मुझे मिला, उसने कहा कि भाई एक सजेशन तुमको दूं कि महेंद्र सिंह नाम बड़ा लंबा है स्क्रीन पे आता है ना, दो वर्ड जितने लंबे आते हैं, तुम अपना नाम छोटा कर दो, एस महेंद्र कर दो, सिंह महेंद्र कर दो। तो मेरे दिमाग में बात आई बाकी नाम इतना बड़ा हो जाएगा तो बात दुरुस्त है। तो फिर मैंने अपना नाम एस महेंद्र शुरू कर दिया। अरे गजब, तो फिल्म नीली में पहली बार आपका नाम एस महेंद्र आया। जी जी, क्या बात है। अच्छा, जहां तक मेरा अंदाजा है, इसके बाद श्रीमती जी फिल्म में संगीत दिया था। श्रीमती जी फिल्म स्टार की फिल्म थी जी। इसके बाद तो काफी फिल्में की, ये बहादुर फिल्म थी एक रंजीत की, वो भी की है। एक और फिल्म थी वीर अर्जुन, उसमें एक ही गाना है, तो क्लासिकल सॉन्ग था, तो मैं क्लासिकल सॉन्ग बनाया तो सेठ ने कहा ये बहुत मुश्किल गाना है, ये नहीं चलेगा, कंकर कंकर शंकर शंकर ऐसा गाना चाहिए। तो मैंने कहा उसी म्यूजिक डायरेक्टर को बुला लो फिर, मैं तो कंकर कंकर बना नहीं सकता। तो उन्होंने उनको बुला लिया, तो मैं जब श्रीमती जी मैंने साइन कर ली, श्रीमती जी में एक ही गाना था मेरा। अच्छा। दो नैना तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे करें ये इशारे, दिल दिल से मिलाएंगे, दिल दिल से मिलाएंगे। दो नैना तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे करे ये इशारे, दिल दिल से मिलाएंगे, दिल दिल से मिलाएंगे। धड़के शर्म के मारे सजन हम हारे चलेंगे तेरे द्वारे, तेरी दुनिया बसाएंगे, तेरी दुनिया बसाएंगे। दो नैना तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे करे ये इशारे, दिल दिल से मिलाएंगे, दिल दिल से मिलाएंगे। रहे हैं तुझको पवन के, चूम रहे हैं तुझको पवन के, झोंके हलके हलके, झोंके हलके हलके। देखो सावन के हंसते नजारे, निगाहें मिला रे पपीहा पुकारे, ये दिन फिर न आएंगे, ये दिन फिर न आएंगे। दो नैना तुम्हारे कर तारे गगन के तारे करे ये इशारे, दिल दिल से मिलाएंगे, दिल दिल से मिलाएंगे। छोटा सा दिल है, बड़ा बेदर्द जमाना, बड़ा बेदर्द जमाना। ओ मेरे सपनों के साथी, ओ मेरे सपनों के साथी, मिलके बिछड़ मत जाना, मिलके बिछड़ मत जाना। किए वादे जो नदिया किनारे, जिया न बिसारे उन्हीं के सहारे, हम जीवन बिताएंगे, हम जीवन बिताएंगे। दो नैना
तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे करेंगे इशारे, दिल दिल से मिलाएंगे, दिल दिल से मिलाएंगे। गीता राय और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। क्या बात और है? इसके बाद उसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने दिया है। जब बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था तो रत्ती भाई पुरातर जो डायरेक्टर थे नीली के, वो मेरे बड़े मेहरबान थे। वो अपनी वैन लेके रात को बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था, मेरे पास आए, कहने लगे भाई बहुत जरूरी काम पे आया हूँ। अच्छा। मैंने कहा फरमाइए कि वो जो गाना तुमने बनाया था यदु रात द्वारका रात शाम है नटवर कुंज बिहारी वीर अर्जुन के लिए, वो हमको रिकॉर्ड करवा दो। अरे अब जो गाना सुनने के बाद सेठ को कोई गाना पसंद नहीं आ रहा अविनाश व्यास का, तो मैंने कहा जी कि कल सुबह रिकॉर्ड करवा दो, सेट लगा हुआ है। तो चलो रात को वहाँ काम खत्म कर सुबह वहाँ चले गए रजीत पे, वहाँ जाके न्यूट्रेशन करवाई, कोई आदमी नजर नहीं आया उस वक्त। सिंगर मन्ना डे को बुलाना चाहता था, वो अवेलेबल नहीं था। तो फिर जी एम दुरानी जी उसको बुला के याद कराया, अरे बापा दा अरे बापा दा बाबा रे यशुदास सुतम देवम कंस चारोर मर्दनम देव की परमानंदम विष्णुम कृष्णम वंदे जगत गुरु यदुनाथ द्वारिका नाथ श्याम हे नटवर कुंज विहारी वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यदुनाथ द्वारका नाथ नटवर कुंज विहारी यदुनाथ द्वारका नाथ नटवर कुंज विहारी बार बार संसार भार बार बार संसार भार हर देखो हर धन धारी यदुनाथ द्वारका नाथ नटवर कुंज विहारी। उनकी लीला कोई न जाने उनकी लीला कोई न जाने माया अपरम पार प्रभु के माया अपरम पार एक रूप हो करमन मोहन एक रूप हो करमन मोहन हारे छवि अपार हारे छवि अपार नारायण नर रूप दिखावे नारायण नर रूप दिखावे एक रहे संसारी यदुनाथ द्वारका नाथ श्यामे नटवर कुंज विहारी। मेरे स्वामी अंतर्यामी मेरे स्वामी अंतर्यामी कोई न पाए पार प्रभु का कोई न पाए पार उनके तार में जुड़े हुए हैं उनके तार में जुड़े हुए हैं तीन लोग के तार तीन लोग के तार मुरली धुन पर त्रिभुवन नाचे नाच रहे नर नारी यदुनाथ द्वारका नाथ श्याम हे कुंज विहारी। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में संगीतकार एस मोहिंदर से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आप सुन रहे हैं।
मैं सुन रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बातचीत अभी जारी